my channel Fashion Bear. I hope you all are doing all well and amazing. So आज का video होने वाला है on teenagers nighttime skincare routine. So आज का topic is totally based on teenagers because I know being a teenager it is very difficult to manage skin, hair, body या कोई भी part हो आपके body का बहुत difficult हो जाता है manage करना in day to day busy life क्योंकि time ही नहीं मिलता है school, assignment, homework तो कब स्किन केयर हेयर केयर करें. सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जिसके वजह से योर स्किन वुड नॉट गेट क्रैक्ड रफ ड्राई एंड एनी सॉर्ट ऑफ स्किन रिलेटेड इश्यूज दैट वुड हैपन इन विंटर. सो आप ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेगा. सो गाइज विदाउट डिलेइंग द वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज इन दिस ग्लोइंग एंड इफेक्टिव क्लेंजर यू ओनली नीड 2 tablespoons ऑफ ग्राम फ्लावर, 1 tablespoon of milk cream that is malai and 1 full tablespoon of honey that is shahad. So I will show you how to mix it and then let's apply. बस अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आप मलाई लो, आप बेसन में पूरी मलाई डाल दो. ये 1 tablespoon मलाई है. मलाई विंटर्स में बहुत अच्छा होता है जिनके भी ड्राई स्किन है उनको स्मूथ करने के लिए. देन आप हनी लो और हनी भी अपने अंदाजे से 1 tablespoon जितना डाल दो. जब आप तीनों चीज़ एक साथ कर लोगे फिर उसको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी कंसिस्टेंसी में ले आओ और फिर मैं बताती हूँ हाउ टू अप्लाई इट. देखा कि मैंने किस तरीके से क्लिंजर बनाया. ये आपका पहला स्टेप है कि आपको अच्छे से उस क्लिंजर से आपको अपने फेस को क्लीन करना है. सो अब मैं आपको उसका एप्लीकेशन बता देती हूँ कि आपने कैसे उसे अप्लाई करना है. सो आप क्लिंजर ले लो. आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. मेरे पास ब्रश है तो आई एम यूजिंग द ब्रश. मैं आपको इसका बेनिफिट्स बता देती हूँ. इसमें मैंने मिलाया था बेसन, ग्राम फ्लावर, बेस्ट फॉर स्किन वाइटनिंग एंड ऑल द इश्यूज, एक्ने, वाइट बम्स, रेड बम्स, स्पॉट्स, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, ईच एंड एवरीथिंग. हनी फॉर ग्लोइंग स्किन, ब्राइट स्किन, स्मूथ एंड सपल स्किन. जिनके भी ड्राई स्किन है और क्रैक होने लगते हैं विंटर्स में, हनी इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़. सो आपके स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखेगा पूरे दिन. एंड द लास्ट थिंग हमने इसमें मलाई मिलाया था. मलाई आप ना विंटर्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दो बिकॉज मलाई में ना हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो सारी चीज़ को अच्छे से हील करके आपके स्किन को ना सॉफ्ट, सपल, स्मूथ बनाता है. मतलब आपके फिंगर जैसे स्लिप हो जाने हैं आपके. आप अगर मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाओगे तो भी वो बहुत स्मूथ और स्मूथ रहेगा, रफ बिल्कुल नहीं होने वाला है. आप मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप लगा लो मॉइस्चराइज़र, बट अगर आप बहुत लोग होते हैं कि नहीं लगाते सो उनके लिए बेस्ट है यूज़ करना. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डन गाइज. अब मैं इसे जल्दी से वॉश करके आपको लुक दिखाती हूँ. ओके गाइज, आई हैव क्लीन्ड माई फेस एंड दिस इज़ द फाइनल look of my face after washing off the cleanser, that is mask. And now my step 2 is applying what? Guess what? So my step 2 is applying face toner.
सो टोनर के लिए आई एम यूजिंग कुकुम्बर ग्लो टोनर फ्रॉम गुड वाइब्स. आई लव गुड वाइब्स प्रोडक्ट्स अ लॉट एंड आई प्रेफर यूजिंग गुड वाइब्स प्रोडक्ट फ्रॉम पर्पल बिकॉज दे आर केमिकल फ्री. दे आर गुड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्किन, वेदर सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली, एनी सॉर्ट ऑफ स्किन. So I'll be applying this and I'll tell you toners are used for what. जैसे कि आप फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद क्या होता है ना, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं. सो अगर आप फेस वॉश करने के बाद, बहुत लोग होते हैं कि वो डायरेक्टली बाहर चले जाते हैं. सो इफ़ अगर आप वो प्रेफर करोगे, सो बेसिकली आपको एक तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरी आपको एक्ने, पिंपल, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा. सो स्टार्ट यूजिंग टोनर. आई विल शेयर द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट. क्लोज योर आईज व्हेन अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ टोनर. सो टोनर को आपने पोंछना नहीं है, आपने उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. आप फैन ऑन करके बैठ जाओ, आप कुछ काम कर लो 2-4 मिनट के लिए, तो वो नॉर्मल हो जाएगा. बस इतना ही गाइज. टोनर मैंने लगा लिया. अब टोनर लगाने के बाद आपने आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है. सो बीइंग अ टीनेजर आई यूज़ जॉनसन्स बेबी क्रीम. आप बेबी क्रीम भी प्रेफर कर सकते हो, आप एलोवेरा जेल भी प्रेफर कर सकते हो. प्लीज़ आप ज़्यादा ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो बिकॉज टीनेजर में होता क्या है ना, स्किन सेंसिटिव होती है और अगर आप कुछ भी ऐसा वैसा लगाओगे ना तो आपको पिम्पल्स या तो फोरहेड में जो बम्स आ जाते हैं ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे. सो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है. नॉर्मल स्टार्ट यूजिंग बेबी क्रीम और समथिंग विच हैज़ अ लाइट सॉर्ट ऑफ केमिकल्स और वो बहुत लाइट हो आपके फेस पे. ओके, सो स्टेप 3 इज अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर. सो आई एम यूजिंग दिस जॉनसन्स बेबी क्रीम. आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो. सो टेक सम लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर. जब आपका टोनर सूख जाए अच्छे से, देन ओनली अप्लाई योर मॉइस्चराइजर. ओके, इतना मैंने लिया है, दिस मच, अच्छे से. अब एक चीज़ मेक श्योर करो कि जब भी आप मॉइस्चराइजर या तो कुछ भी लगाओ ना, तो आप अच्छे से मसाज करते करते लगाओ, उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी. सो मॉइस्चराइजर लग गया है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. 4 इज अप्लाइंग आई क्रीम और यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ ऑयल. आई प्रेफर यूजिंग ऑयल बिकॉज मेरे को आई क्रीम मैंने एक टाइम पे यूज किया था, सो वो मेरे को सूट नहीं किया. उसके बाद आई स्टॉप्ड यूजिंग आई क्रीम और मेरे को वैसा भी कुछ डार्क सर्कल्स है नहीं, तो इसीलिए आई प्रेफर यूजिंग कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर कोकोनट ऑयल फ्रॉम मैक्स केयर. आई गॉट दिस फ्रॉम नाइका. आई विल शेयर द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये बहुत अच्छा है हेयर्स के लिए भी, हेयर ग्रोथ के लिए भी. आप मास्क वगैरह में भी डाल के लगा सकते हो, आप इसे मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. और आई यूज़ दिस एज माई आई क्रीम बिकॉज थोड़ा बहुत भी डार्क सर्कल होता है तो वो इसे कुछ टाइम तक यूज़ करने के बाद चला जाता है. सो कैप में थोड़ा बहुत है, सो आई विल जस्ट नॉर्मली अप्लाई दैट. So step 5 is done. Now last step की तरफ चलते हैं. Guys, step 5 is applying any sort of lip balm or lip cream. और lip creams भी आजकल आने लग गए ना, या तो वैसलीन वगैरह कुछ भी आप प्रेफर कर सकते हो. मेरे पास है ये क्रेजी लिप्स का लिप बाम. सो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आप वहाँ से ले सकते हो. बट मेरे को एक्चुअली अच्छे से याद नहीं कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था या अमेजोन से लिया था. आप सर्च करोगे क्रेजी लिप्स तो वो आ जाएगा. सो नॉर्मली आई विल जस्ट अप्लाई इट. ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है, यू कैन सी. गाइज मेरे को इसकी अच्छी बात ये लगती है कि ये एक लिप्स को पिंक कलर का टिंट देता है. बाय द वे माय लिप्स इज़ नेचुरली पिंक, बट ये बहुत अच्छा है. इसका स्मेल बहुत अच्छा है, ये पूरा स्ट्रॉबेरी के जैसा है. सो
That's all guys. So here is my skincare routine which is so good and so budget friendly. ये कोई भी use कर सकता है. आपको इसके लिए ज़्यादा expensive products तो चाहिए नहीं. Cleanser homemade हो गया, moisturizer हो गया, क्या बोलते हैं Johnson Baby, वो सस्ता मिलता है बहुत. फिर lip balm के लिए ये भी 10-15 रुपये का ही आता है. मेरे पास तो set में मैंने लिया था तो. और क्या हुआ, और वी हैव अप्लाइड कोकोनट ऑयल. आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो एज अ आई ऑयल. इफ़ यू आर इन लेट 20s, स्टार्ट यूजिंग सीरम इन योर फेस और स्किन, बिकॉज सीरम आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को बहुत हद तक कम कर देता है. और ड्राई स्किन वाले लोगों को क्रैक्स और ऐसे ऐसा भी कुछ कुछ नहीं होता है. सो हियर इज माई स्किन केयर रूटीन. आई होप यू गाइज विल लव दिस वीडियो एंड शावर टू मच लव ऑन दिस. थैंक यू गाइज. प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. आई लव टू नो दैट यू पीपल are liking my videos and I will surely reply all the comments which you all have done. So bye bye. So guys, I hope aap logo ne video dekh liya hoga and do tell me ki aapko ye video kaisa laga. Agar aapko ye video acha laga and aapko bhi ye night time skin care routine follow karna hai to sare steps ko aapko seriously follow karna hoga. If aap Johnson's baby cream prefer nahi karna chahte ho to aap Himalaya ka baby cream ya kisi aur brand ka baby cream prefer kar sakte ho. बट बेबी क्रीम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सिर्फ आपकी स्किन के लिए नहीं, एज वेल एज योर बॉडी. आप मॉइस्चराइजर मत लगाओ, आप बेबी क्रीम लगा लो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर. सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन. बाय बाय, टेक केयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.